पिपरिया से सेही के शिकारियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने भेजा जेल। पिपरिया पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विभाग से सटी एक गुफा में घात लगाकर दुर्लभ सेही वन्य प्राणी का शिकार कर दावत उड़ाने वाले आरोपियों की जमानत पिपरिया न्यायालय ने खारिज कर बुधवार को उनका जेल वारंट काट दिया। वन परिषद पचमढ़ी के द्वारा आरोपी अकबर सिंह, कलीराम धुर्वे, सीताराम मवासी, छोटेलाल मवासी और बाबूलाल मवासी को धारा 9, 39, 27, 29, 30, 30, 31, 49, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अपराध में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पिपरिया कुसुमहर चक्रवर्ती की न्यायालय में गिरफ्तार कर पेश किया गया था। एडीपीओ चौधरी विक्रम सिंह ने बताया, न्यायालय ने आरोपीगढ़ के जमानत आवेदन को खारिज कर उन्हें उपजेल पिपरिया भेज दिया। ये था मामला। वन परिक्षेत्र पचमढ़ी के अधिकारियों को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपीगढ़ से ही का मास्क रखे हुए हैं। उक्त सूचना की तस्दीकी के दौरान आरोपीगण के कब्जे से वन परिक्षेत्र पचमढ़ी की टीम के द्वारा सेही का कच्चा मटन, सेही के कांटे, कुल्हाड़ी, डंडा, फंदा, लोहे के चापड़ को कब्जे से जब्त किया। आरोपीगण ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा प्रतिबंधित कोर एरिया कक्ष केपी 311 में जाकर सेंध लगाकर वन्य प्राणी सेही का शिकार किया गया था। उक्त मामले में आरोपी अकबर, सीताराम, कलीराम वन विभाग के चौकीदार रहे थे। जी सर, आज दिनांक को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री कुसुमहर चक्रवर्ती जी के न्यायालय में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के पचमढ़ी पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत 5 आरोपीगण, जिन्होंने की एक दुर्लभ वन्य प्राणी से ही होता है, उस से ही दुर्लभ वन्य प्राणी के शिकार किया था और शिकार करके उसको पकाने की तैयारी थी, उसका मांस उनके पास पाया गया और से ही के जो कांटे होते हैं वो कांटे भी आरोपीगण के पास जब्त किए गए थे। उन 5 आरोपीगण को आज पचमढ़ी परिक्षेत्र के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 5 आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्ता महोदय के द्वारा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किंतु वर्तमान में वन्य प्राणियों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के जो प्रावधान है और शासन की जो मंशा है कि इन दुर्लभ प्रजातियों को बचाया जाए, इनका संरक्षण किया जाए, तो इन्हीं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय के द्वारा सभी आरोपीगणों को जेल भेजा गया और उनका जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। थैंक यू सर। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया होशंगाबाद से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।